तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, CISF SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो 3 दिन में एग्ज़ाम होने हैं, जो कि 23 तारीख 23 जुलाई 2023 और 30 जुलाई 2023 और 6 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 23 जुलाई का एग्ज़ाम कंटेंट करा लिया गया है। तो 30 जुलाई और 6 अगस्त वाले सभी स्टूडेंटों को ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर वो ये क्लास देखते हैं तो पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। और विद इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन, और रिपीट नहीं होंगे तो पेपर का लेवल सेम रहेगा। आपको इन्हीं के आसपास के क्वेश्चन जो है आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो अभी उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत मोस्ट है जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वो उन्होंने किए थे और किस क्वेश्चन के माध्यम से उन लोगों ने अपनी तैयारी की थी, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। आज क्लास में क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के हम आंसर टिक करते हैं और हम सबसे पहले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सामान्य ज्ञान। इसमें 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 25 क्वेश्चन जो हैं आपके मैथमेटिक्स और 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे और हमारा क्या पढ़ाया था हमने और कितना आया है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि पेपर बहुत अच्छा था। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, पढ़ाए हुए क्वेश्चन है कि पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर है आला सिंह, महेंद्र सिंह, रणजीत सिंह और करम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आला सिंह। क्या हो जाएगा? आला सिंह। नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन है कि एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करती है, तो कौन सा है? देखिए, पहला ऑप्शन विश्व बैंक, थोड़ी विश्व व्यापार संगठन, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए, ये सबको पता है, बैरनद्वीप है। और कहाँ पर? अंडमान निकोबार में है। तो बैरनद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो इसमें 1948, 1956, 1965 और 1951, बच्चे ने गलत कर दिया है, जिसने भी किया था 1951 इसका बेटा सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, फिर पांचवा क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन है पांचवा, कि पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई। तो देखो, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, पहली लड़ाई जो हुई थी वो 56 में हुई, फिर 26 में हुई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की 56 में हुई थी 1556 में, और तीसरी लड़ाई जो हुई थी वह लड़ाई हुई थी 1761 में। तो अब यहाँ पर आपको पानीपत की पहली लड़ाई याद रखनी है, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ ये लड़ाई हुई थी। तो बाबर इसमें सही आंसर है, ठीक है। दूसरे और तीसरे को देख के जाना, ठीक है, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है। जैसे कि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था, भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत लागत के आधार पर कम से कम कितने गुना, मेरे जो भी डैश है यहाँ पर, गुना स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करती है। तो कितना है आपका? 1.5। कितना आ जाएगा यहाँ था? 1.5 आ जाएगा। ये बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में एक चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? तो पश्चिम बंगाल था, बुलबुल से प्रभावित हुआ था। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, जो बुलबुल से प्रभावित हुआ था बेटा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? तो इसका सब बच्चों को पता होगा, 1867 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में आपका दो क्वेश्चन, यानी कि नवा क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? नवा क्वेश्चन है, गंगाघर पुनसुम विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर कोई चढ़ नहीं पाया, ये भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान में, क्योंकि ये ज़्यादा सर्पिलाकार है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कोई चढ़ नहीं पाया। ये ज़्यादा एकदम शंखाकार बना हुआ, जिस पर चढ़ने का आधार जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में इनसे किस गैर उपयोगी किया जाता है? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का गैर उपयोग किया जाता है। तो किसका? यह आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 11वें क्वेश्चन की, तो देखिए 11वां क्वेश्चन मोस्ट है। मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 4 CH4 होता है, इसे कहते हैं CH4। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, यहाँ से याद रखना है। चोरी चोरा 1922 में हुआ था, कब हुआ था? 1922 में घटना घटी थी चोरी चोरा की। तो ये कब हुआ, कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, ठीक है, यहाँ से याद हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे ने लिखा पट हो नहीं पाया ठीक तरीके से। इन्हें कहा है 13 में, निम्न से किस रंग का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पीले रंग की तुलना में अधिक होती है? तो ये जो है ये इंद्रधनुष का है, ठीक है, ये जो आप इन्होंने बनाया है वो क्या है? इंद्रधनुष का है। मगर यहाँ पर है तरंग दैर्ध्य, तो नारंगी की जो है होती है, नारंगी क्या होता है, लाल रंग से कम होती है और पीले रंग से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम किसकी होती है? सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है लाल रंग की, सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है? बैंगनी रंग की। ये तो होती है तरंग दैर्ध्य। तो बेटा यहाँ पर ही आपको याद रखना प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग का होता है, कम बिखरता है, और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है।
सबसे ज़्यादा बिखरता, सॉरी हाँ सबसे ज़्यादा बिखरता है, तो सबसे ज़्यादा है प्रकीर्णन बैंगनी रंग का। तो जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका तरंग धैर्य कम होगा, जिसका तरंग धैर्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो लाल रंग का तरंग धैर्य ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि बिखरता कम है, ठीक है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक क्यों होता है? क्योंकि बिखरता ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट में कि 25 डिग्री फॉरेनहाइट स्केल पर कितना डिग्री होता है? 77 डिग्री होता है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे देखते हैं, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो चीन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। नेक्स्ट है बैद्दा, बैद्दा में पाया जाने वाला एक समुदाय है, श्रीलंका में पाया जाने वाला समुदाय है ये, ठीक है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो यहाँ पर लाल किला है, बिल्कुल ठीक है। अजंता ये भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, तो कौन सा नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया ये नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसकी कोसीकोरस का कारण होता है? तो किसका होता है? ये आयरन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है 19वां क्वेश्चन जो है इसमें, वो है आपका मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? तो आपको पता है दंत बल्ब जो होता है सबसे ज़्यादा मतलब कठोर होता है। ये है आपका लेसन विशालकाय बुद्ध, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कहाँ पर है? नेपाल में है, बिल्कुल सही बात है, कहाँ पर? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 21वां, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? तो ये शतुरमुर्ग का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने 21 क्वेश्चन अभी कवर किए हैं, अभी चार क्वेश्चन इसके जो है हमारे बच रहे हैं। तो देखेंगे 22वां क्वेश्चन क्या, मानव शरीर में निम्न में से किस मैक्रोनिनल की बड़ी मात्रा आवश्यक होती है, यानी बड़ी मात्रा आवश्यकता होती है, किसकी होती है? आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। भारत में कौन सा संविधान अंगीकृत के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर, बेटा गलत करिए आप, 26 जनवरी लगा गए, तो क्या है आपका? 26 नवंबर। ये मोस्ट क्लास है, देखो इस बार हमने अभी क्लास बनाई है 8 दिन पहले, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर पूर्वी घाट की नदियाँ, पश्चिमी घाट की नदियाँ और पठारों की लगातार क्लास बनी है, उसमें हमने एक क्लास बनाई थी, उससे ही क्वेश्चन आया सीधा। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किसकी नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि बताता है कि कौन सा प्रभाव बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है? तो वह आपका पेम्ब्रा प्रभाव, पेम्ब्रा प्रभाव। तो ये क्वेश्चन तो हो गए हैं हमारे, ये क्वेश्चन हो गए हमारे जीएस के। तो पहले हिंदी देख लेते हैं, हिंदी के बाद में जो है आप मैथ और रीजनिंग पर नज़र मारेंगे, तो पहले हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी जो है यहाँ पर हमारी कहाँ से है? हिंदी हमारे हो जाएंगे ये देखिए, अच्छा अभी आ गया हिंदी, बढ़िया पेपर बनाया था, बहुत हल्का पेपर बनाया था भाई, 80 से 85 के समथिंग यहाँ तक कट ऑफ बनने वाला है इसका, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल सस्ते में निबट जाओगे आप, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे 76 से देखिए ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तद्भव नहीं है? तो तद्भव कौन सा नहीं है? इन्हें बोला तस्कर, पत्ता, हाथ। तो यहाँ अंग्रेज जो है, अंग्रेज शब्द जो है इसका क्या हो जाएगा? अंग्रेज शब्द जो है ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मीनाक्षी का पर्यायवाचक होता है सुंदरी, दुर्गा, मछली। तो मछली इसका जो है सही आंसर होता है। मोर के लिए पर्यायवाचक शब्द नहीं है, मोर के लिए पर्यायवाचक शब्द नहीं है, अच्छा नहीं बोला है इन्होंने, नहीं है। तो कनक, नीलकंठ, ध्वजी। तो यहाँ पर कनक सोने का होता है, धतूरे का होता है, ठीक है, ये नहीं है। आग है, विराट का विलोम शब्द है, व्रत माने तो विराट ही होता है, व्रत माने भी, और यहाँ पर छोटापन और लघु, तो आपका यहाँ से हो जाएगा छोटापन, यानी कि शूद्र जो होता है वो क्षीण का होता है, तो यहाँ छोटापन जो हो जाएगा यानी लघु होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका 80वां क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसका देखते हैं इधर क्या बोला है, अच्छा ही है। यहाँ पर आपका किंवदंती, क्या बोलते हैं इसको? किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती, ठीक है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सुबह, दोपहर, सांझ, यानी कि दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा दिन। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो यहाँ पर है रात, सोना, लड़का, साधु। साधु हमेशा बहुवचन में रहता है, ठीक है। 83वां क्वेश्चन क्या है, अतिथि ने भोजन करने की क्या की? इच्छा की, क्या की? इच्छा की, यहाँ से, ठीक है। 84वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 84वां क्वेश्चन हो जाएगा, बस ने उस महिला को गिरा दिया जो रोजी रोटी कमाने के लिए परेशान। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो आ जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन अच्छा है, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी अनुचित है, समुचित है, परिमित। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अनुचित रूप से प्राप्त हो सकती है, अनुचित रूप से प्राप्त हो सकती है कि कभी भांति समझने, उसमें 86 में क्या आ जाएगा कि विभिन्न जो उसे विभिन्न भली भांति समझने और उनमें क्या है आ गया, निर्णय, ये सही है, उनमें निर्णय करने का अवसर मिले, उन्हें उनमें निर्णय
करने का या सुधार करने का, यहाँ क्या है बुढ़ारे प्राप्त तो निर्णय हो जाए करने का मिले, राज्य कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसे मौलिक अधिकार दे जिस उसमें उसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसमें आ जाएगा आत्मनिर्णय, बिल्कुल सही है। और फिर आपका आ जाएगा आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके, इसमें इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल सही बात है, इसमें नागरिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। जिसमें केवल अब यहाँ से ये तो ठीक क्या है, यहाँ से एक और आपका क्या है 89 शायद 89 में क्या कहा गया है, अगर हम साहस के साथ सचेत होकर, तो इसका सही आ जाएगा सचेत होकर कर अपने कर्तव्य पर स्वेद हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, यानी कि चलें तो पालन करें तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट में, ये तो हो गए 90वां क्वेश्चन है, आदिकाल में प्रमुख कवियों के में शामिल हैं, तो विद्यापति, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ सभी होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समूह क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं, क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं, क्योंकि एकमात्रिक, द्विमात्रिक, बहुमात्रिक होते हैं, इस तरीके से। आगे है 92वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर विस्तृत, बिल्कुल विस्तृत, अच्छा ये वाला गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा वह पेट चिरा वाला, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर विस्तृत का, ये हो जाएगा आपका। फिर इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है, तो जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है, क्योंकि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, मूलतः 3 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है जातिवाचक, तीसरी होती है भाववाचक, चौथी होती है द्रव्यवाचक, और एक होती है समूहवाचक, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, तो यहाँ पर ये बताना है कि सर्वनाम कौन सा वाला है, मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, तो निश्चयवाचक यहाँ पर, संबंधवाचक, निजवाचक यहाँ पर, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया, तो आपकी राम सो रहा है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक, सोना, रोना, ठीक है, क्या होते हैं अकर्मक क्रिया होती हैं, ठीक है। 96वां क्वेश्चन क्या है, 96वां क्वेश्चन क्या है भाई, जिस भिखारी शब्द से संज्ञा की व्यक्ति मर्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तित्व मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, उसे कहते हैं अच्छा विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, या फिर आपकी विशेष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। आगे है ऐसे शब्द इसमें लिंगवचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। फिर यहाँ बाघ प्लस जाल, तो बाघ प्लस के जाल, यानी कि कौन था, ए विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 99वां क्वेश्चन, किस उप शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए उपकार शब्द यहाँ पर सही है, कि उप प्लस के कार, लाभ प्लस दायक, दायक में प्रत्यय, पढ़ाई में प्रत्यय, चौथा देखने ही नहीं है। फिर आगे है निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो राजकुमार भी है, बड़ा बेदी भी है, तो यहाँ कौन सा आजन्म, क्योंकि ये अव्यय समास का है, कौन सा किसका है, अव्यय समास का है। तो इस तरीके से जो है हमने, अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, मैथ पर थोड़ा सा नज़र मान लेते हैं कि मैथ कहाँ से आया था, बिल्कुल ईजी मैथ था, बिल्कुल ईजी मैथ था, वो भी मैंने अभी देखा था पेपर, तो बहुत ईजी मैथ था। देखिए ये मैथ, ये तो अच्छा रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो देखिए मैथ को देख लेते हैं, बहुत ही हल्का मैथ था शायद, मुझे बच्चों ने बताया कि बहुत हल्का आया था, बहुत अच्छे से बच्चे कंटेंट करके आए हैं। तो देखो ये है 50वां क्वेश्चन है, इसमें बताना था कि दी गई संख्या 99 और 100 के वर्ग के बीच में है, तो इसको आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन था किस बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से क्या होता है, इसको आप आराम से कर सकते थे। यहाँ है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 2 मिमी के तार, तो बेलन और तार की लंबाई यानी बेलन और गोले का सूत्र लगाकर हो जाता। यहाँ एक किसी कार्य को 16-18 दिन में कर सकते थे, यहाँ से भी क्वेश्चन करके इसको बिल्कुल सही, इनमें तो हो जाएगा एक संख्या का 70% 55% का अंतर 72, दोनों का अंतर 72 रख दीजिए। ये देखिए 840 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में, ये भी आसानी से आप यहाँ पर कह सकते थे, इसको आराम से हो सकता था। फिर है यदि 15 मजदूर एक दीवार को, अरे ये भी सिंपल था, तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए इसी आधार पर जो अपने क्वेश्चन तैयार करिए, जो भी अभी 30 तारीख और जिनका 6 तारीख को एग्ज़ाम है, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। एक व्रत का प्रत्येक ब्याज जो है यहाँ से होना चाहिए, जीवा बोलते हैं किसी दुकान पर एक जोड़ी, ये लाभानी से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहाँ देखिए पायथागोरस है, यानी कि ये वाला बीबीओ विकल्प हो जाएगा, कौन सा 8 संख्या है, ठीक है, 8 का सही संख्या मान है वहाँ पर। ये दादा दादी वाला रक्त संबंध से क्वेश्चन, सॉरी आईजी से क्वेश्चन आ गया है, पाइप टंकी से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। धनराशि साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ चुका है, प्रतिशतता से क्वेश्चन है, फिर दूसरा प्रतिशतता क्वेश्चन है, अब अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है, तिरत्यनुपाति पूछा है, और जी यहाँ पर क्वेश्चन औसत से क्वेश्चन पूछा है, फिर यहाँ पर 3 घंटियों का ये भी, ये लैसे मैसे से क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो था 31वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या क्या है, अच्छा ये भी लैसे मैसे से क्वेश्चन पूछा है, ये आपका घातांक करनी से क्वेश्चन पूछ लिया है, ये संख्या से क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्गमूल घनमूल से, ये सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा है,
ये भी भिन्न से क्वेश्चन पूछा, और ये आपका 10 प्रकार संख्या का माध्य का क्या है, ये भी माध्य का सूत्र से क्वेश्चन से पूछा है। ठीक है भाई, तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पेपर बहुत हल्का था। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कट ऑफ का, कितना कट ऑफ जा सकता है, अगर हम बात करें कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर जिस कैंडिडेट का भी 80 से लगभग 86 के बीच है, उनका एक बार डाउट, मतलब 85 से ऊपर अगर होगा किसी का, अगर हम बात करें यहाँ पर 85 प्लस अगर नंबर हैं किसी के इस पेपर में, तो वो तो अपना तैयारी में लग जाओ, उसका तो कोई काटने वाला है ही नंबर, इतने नंबर तो बहुत होते हैं नंबर ये, तो इतना कट ऑफ तो जाएगा क्योंकि इतना हल्का पेपर था। आप जीएस में 22-23 बना सकते थे आराम से, 22-23 क्वेश्चन बना सकते थे, मैथ में पूरा कर सकते थे। ठीक है, रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन हो ही जाता हमारे रूल में, रूल में तो एक दो क्वेश्चन वहाँ भी गलत हो सकता था, हिंदी में एक आध क्वेश्चन हो सकता था आप कहते सर, वरना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि बहुत भारी क्वेश्चन हो सकता है। पेपर बहुत ईजी था, SSC GD से भी हल्के क्वेश्चन पेपर बनाए थे उन्होंने। तो दोस्तों, आप लोग जिनका 6 तारीख में, अभी 30 तारीख में पेपर है, वो भी अच्छे तरीके से तैयारी करें, और हम इसका जो है मैथ और रीजनिंग सॉल्व करके दूसरी वीडियो भी बनाएंगे इसको। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की क्लास रहेगी केवल उसमें, और उसमें हम क्वेश्चन सीधे जो है आपको वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसकी जो है क्लास वो आपकी बोर्ड पर बनेगी, तो हम उसकी क्लास बोर्ड बनाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो, पहले पैटर्न देख लीजिए क्या है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नई क्लास के साथ। अगर सेशन में आपको मजा आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी के साथ। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।